और हमें इसी से बनाना है हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता। नमस्कार, मैं निशा तोमर अपनी मिश्रित रसोई चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज बनाते हैं साबुत मूंग से पकोड़े। मैंने इन्हें बिना छिलका उतारे ही पीसा है। इसके लिए हमें इसको 8 घंटे इसको भिगोना पड़ेगा। भिगोने के बाद ये दाल ऐसी हो गई है। अभी कोशिश करें कि धोकर के ही भिगोएं। अब इसे हल्का सा पानी डाल करके मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। आपको आलू काटना कैसे है, आप चाहो तो जैसे हम आम पकौड़ी बनाते हैं वैसे भी काट सकते हैं। हमें इस तरह से आलू काटने हैं। इस तरह से, ना वो मोटे हो ना ज़्यादा पतले हो। तो हमने सारे आलू डाल दिए इसमें। हरा धनिया, हरी मिर्च आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालते हैं। मसाले, लाल मिर्च जितनी आपको पसंद हो। ये थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है पकौड़े। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक और जीरा पिसा हुआ। अब डालेंगे इसमें हींग, थोड़ी ज़्यादा से डालेंगे क्योंकि इसी का फ्लेवर हमें देना है और इसी से ये पकोड़े जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हींग को आपको नहीं करना है स्किप। और आप इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करा देते हैं ताकि जो इसका मसाला है वो थोड़ा सा आलू के साथ मिक्स हो जाए। और इतने पका लेते हैं तेल को। अब बनाते हैं पकोड़े। इसमें तेज़ गैस होने के पकौड़े सिक गए हैं। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल लाइट पिंक हो गए हैं। देखो एक बार फिर से दूसरे पकौड़े से थोड़ा सा स्वाद हटके होता है क्योंकि इसमें हींग का फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो भाई हमारे मेरठ में तो हो रही है बारिश, अब ऐसे में पकोड़े पता मन करेगा ही, तो आप भी बनाओ एक बार। पकोड़ों के साथ खाए जाने वाली मिर्च बनाएंगे। मिर्चों को पहले धो लिया है, लगा लेते हैं कट। आप इसके लिए थोड़ी मोटी वाली मिर्च ही लें, पतले वाली बिल्कुल, पतले वाली से जो थोड़ी सी मोटी होती है वो वाली मिर्च लें आप। मैं पकौड़ों के साथ साथ इन्हें पराठों के लिए भी बना कर रखती हूँ, तो आप बना करके हफ्ते के लिए रख सकते हैं। और इस तरह से इसको कट कर लें। तो भरेंगे चाट मसाले से। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो इसमें नमक आदि सब कुछ है इसमें, तो हल्का हल्का सा इसको भर लेते हैं। दाल वाले जो हमारा घोल था उसी से हम इसे बनाने जा रहे हैं। पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं और बिना मिर्च के तो भाई पकौड़े पूरे होते नहीं हैं। तो हमने मिर्च भी फ्राई करी है मसाले वाली, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो एक बार बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।